जी नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य और इस वक्त ऊना के समूर कला से आपके साथ लाइव जुड़े हैं, जहां पर पेट्रोल पंप बिल्कुल खाली हो चुके हैं और यहां बाहर से ही तमाम गाड़ी चालकों को यहां पर रवाना किया जा रहा है, क्योंकि ट्रक चालकों की हड़ताल का असर यहाँ पर पड़ रहा है। हालांकि ये जो तमाम चीज़ें हैं वो निश्चित रूप से पहले से ही इनको लेकर अंदेशा जताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, तो हर जगह पर ये दिक्कत आ रही है और पंजावर हो या फिर ऊना हो या समूर हो, कई पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं और उसके मद्देनज़र यहाँ पर तमाम लोगों को ये देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर पेट्रोल नहीं है। और ये देखिए किस तरह से हाथ जोड़ रहे हैं पेट्रोल पंप के कर्मचारी कि पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अब यहाँ पर और फैसिलिटी नहीं मिल सकेगी। ऊना हमीरपुर हाईवे पर हम लोग इस वक्त समूर कला में मौजूद हैं, जहाँ पर ये पेट्रोल पंप है और पेट्रोल यहाँ पर नहीं होने के चलते तमाम लोगों को बैरंग यहाँ से लौटाने का काम शुरू हो चुका है। और ये दिक्कत यहाँ पर ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल के चलते, यहाँ पर ट्रक चालकों की हड़ताल के चलते यहाँ पर दिक्कत आई है, क्योंकि पहले ही बता दिया गया था कि ट्रक चालक हड़ताल पर हैं, लिहाजा उन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई के साथ साथ एलपीजी की सप्लाई को भी वो बाधित करने वाले हैं। लिहाजा अब यहाँ पर ये कंडीशन आई है कि जो रिजर्व कोटा एम्बुलेंसेज के लिए या फिर अन्य उन वाहनों के लिए जो कि अति आवश्यक हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद है पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पर पहुंची थी, क्योंकि एम्बुलेंस एक ऐसा वाहन जो निश्चित रूप से रोगियों को लाने ले जाने का काम करता है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन वाहनों में पेट्रोल जो है वो ज़रूर हो। जी क्या नाम है जी आपका? मनोज कुमार। मनोज जी पेट्रोल डलवाने आए थे, मिला है जी? नहीं, मना कर रहे हैं ये तो। तो अभी फिर अब एम्बुलेंस के लिए थोड़ी नहीं मना कर सकते, इमरजेंसी है, अभी हमें इमरजेंसी जाना पड़ेगा तो कैसे जाएंगे। निश्चित रूप से देखिए ये दिक्कत आ रही है कि ये एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस के चालक को भी यहाँ पर मना किया गया है कि पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि तमाम वाहन यहाँ से खाली लौटाए जा रहे हैं। और ये असर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का है जी, जो हड़ताल यहाँ पर ड्राइवर्स द्वारा की गई थी। हमारे साथ एक और यहाँ पर ग्राहक हैं जी, क्या नाम है जी आपका? राजेश कुमार जी। कहाँ से हैं? मैं लोकल यहीं से, वैसे उन्नी दिल्ली में हूँ, दिल्ली में ही पूरी हड़ताल है जी, बुरा असर है। तो अभी पेट्रोल डलवाने आए थे? बिल्कुल, मना कर दिए। मना कर दिए सर? तो ये असर आप देख सकते हैं पूरी तरह से, अब पंप खाली हो चुके हैं और एम्बुलेंस को भी बैरंग वापस लौटाने का काम किया जा रहा है, और यहाँ तक कि पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उन्हें बाहर खड़े कर दिया गया है कि कोई भी वाहन आता है तो आप उस वाहन को बाहर से ही बैरंग वापस लौटा दें। ये देख सकते हैं आप, दो कर्मचारी यहाँ पर, ये पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं। खाली हो चुका है पेट्रोल पंप पूरी तरह से और पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी भी आप देख सकते हैं किस तरह से हाथ जोड़कर लोगों को वापस भेज रहे हैं यहां से कि पेट्रोल अब है ही नहीं, तो वो भी क्या करेंगे। हालांकि यहां पर सुबह सवेरे काफी रश देखा जा रहा था, लेकिन उसके बाद यहां पर जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं वो भी तमाम चीजें आपके बिल्कुल सामने हैं जी। तमाम लोगों को वाहन चालकों को वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल खत्म हो चुका है, ईंधन खत्म हो चुका है और ये देखिए ये देख सकते हैं आप, तो ये है असर उस हड़ताल का जो ट्रक और ड्राइवर द्वारा की गई, और उसके बाद यहां पर तमाम लोग वापस जाने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि पेट्रोल पंप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं।
तो आपके एरिया में क्या कुछ कंडीशन है, आप भी जरूर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा। तो ये देखिए आप, लोग आ रहे हैं लेकिन ना बाहर से ही वापस भी भेजे जा रहे हैं। कहाँ से आप लोग? हम लोकल ही, हम ऊना से, हमें लोकल घूमने में दिक्कत आ रहा है। अरे नहीं जी, खत्म हो गए हमारे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना के समूर कलां से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल शांडिल्य।